अब एक चीज़ आप बताइए कि गाने भी गा रही है, सब कुछ एल्बम भी आ रहा है धीरे धीरे, अब आपका एक समय है ना कि फिल्मों में गाने का मौका मिल रहा है क्योंकि ऐसा तो नहीं रहा कि भैया रागिनी विश्वकर्मा से इस फिल्म में गाना गवा दें। गुल्लक और हारमोनियम पर तान फेरते हुए एक ऐसी लड़की जो हमारे साथ मौजूद है, कई जगहों पे जा करके आपने इनका वीडियो देखा होगा और साथ खास करके देखा होगा आपने कभी नदी के पास, कभी नदी में तो कभी नाव पर। लेकिन जब इनकी गायकी शुरुआत हुई तो गायकी के सभी लोग दीवाने थे, क्योंकि जब इनका गाना आता था सभी लोग सोचते थे कि कुछ इनसे सीख पाए। धीरे धीरे इनकी कामयाबी का सिफर इस तरह से पहुंचा कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ इनको गाने का मौका भी मिला। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बनारस में आज फिर से वायरल होना शुरू कर दिया। तो रागिनी विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, रागिनी विश्वकर्मा से कुछ चंद सवाल हैं और जो हमारे दर्शकों के जहन में भी होंगे हमारे साथ भी है, तो आप स्वागत। धन्यवाद। रागिनी जी, ढोलक मदेरा अभी आपके सामने है, ढोलक है, ढोलक का भी धीरे आप काम खत्म हो गया, आप जो है कि म्यूजिक पे काम कर रही हैं, अब अभी मन लगता है इस पर? एकदम लगता है, जो खानदानी है उसको कैसे भूल सकते हैं। तो बाद में पब्लिक का प्यार सपोर्ट मिला तो सर जी के बाद ढोलक से सीक्वेंस गा रहे, और नहीं मिलता तो मैं ढोलक ही हारमोनियम गाती ना। लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे इंसान का विस्तार होता है उसी तरह सब कुछ धीरे छूटता जाता है। पहले नाच ड्रामा हुआ करता था, आप जानते होंगे, धोबी नाच हुआ करते थे, अब ये देश सब खत्म हो गया, अब ऑर्केस्ट्रा आ गया है ना, अब ऑर्केस्ट्रा भी नहीं बल्कि अब ब्रास बैंड पार्टी जैसे बड़े बड़े जो है कि साज बाज के साथ गाना गाए जाते हैं, तो क्या आपका नहीं मन लगता है कि अब इसे धीरे छोड़ा जाए, अब इस तरह से काम किया जाए? कैसे हो गया, इसका मतलब ये है कि आप गिरने की बात कर रहे हैं? नहीं, गिरने की बात नहीं कर रहे हैं ना, मैं वो नहीं बोले। कितना भी आदमी जमीन छोड़ के अगर जो कितना भी आसमान में जाएगा तो जमीन पे जरूर आएगा, कहीं ना कहीं जमीन को नहीं भूलना। हाँ, जमीन को नहीं तो हम नहीं भूलना चाहते, तो अपने जमीन नहीं भूलना चाहते। तो इससे इसके सारे कहाँ तक जाना है? सबके सारे जा रहे हैं लगातार विकास। एक बार जब एक गाना आपका किसी समय में एक बार चोरी हो गया, इसके बाद इस तरह से आप वायरल हो गई कि लोग आपको ढूंढना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, इस तरह से हो गया था कि रागिनी विश्वकर्मा का लोग इंटरव्यू करें, लेकिन उसी बीच में खेसारी लाल यादव से आपका मुलाकात होती है, तो खेसारी लाल से मिलने के बाद भी क्या बातचीत हुई थी, अभी लोग जान नहीं पाए? नहीं, जान बहुत लोग जान चुके हैं और उनका बहुत प्यार आशीर्वाद भी था और सम्मान भी किया था, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, और बोले थे कि मौका मिलेगा तो आपके साथ में भी गाऊंगा। तो लगभग इतना दिन हो गया, कहीं मौका मिला हमको? आप ही को इतना समय हो गया, आपने उनको उनका मौका नहीं मिला आपके पास, या आप कभी कोशिश नहीं की? नहीं, मैं अपने सर जी के बदौलत हूँ, सर जी जहाँ बोलेंगे तहाँ गाएंगे, और पब्लिक का प्यार सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना हर जगह से, और नसीब रहेगा तो उनके साथ में भी गाऊंगी, नहीं रहेगा तो मैं अपना तो चल रहा है ना। तो अभी आप भोजपुरी गा लेती हैं, कभी की हिंदी भी गा लेती हैं, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन लगता है भोजपुरी? भोजपुरी में भजन भी अच्छा लगता है और सामाजिक पारिवारिक गाना। पारिवारिक गाना में सबसे बेस्ट गाना अगर आपके लाइफ का रहा तो कौन सा है? एसी राजा जी। तो एसी राजा पारिवारिक गाना कहाँ है? एसी राजा जी लगा दी, एसी राजा जी तो पारिवारिक गाना। पारिवारिक गाना में एक अच्छा दीदी गाई है, कौन सा गाना? दुख नवरात्र का सुना सकते हैं? दुख नवरात्र संपत इसको दिखाइए। दुख नवरात्र बे
अभी आपके साथ एक लड़की बैठी है जिनको अभी हाल ही में आप जानती भी नहीं होगी, अभी आपके पास है, इनका इससे ही गाना सुनते हैं, इसके बाद बताइएगा। कहा सीमा, कैसी हैं आप? आज रागिनी विश्वकर्मा से के साथ मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहले मिलने का चाहती थी मुझसे, तो इनके लिए कोई गीत है, कोई हिंदी गाना हो? अच्छा, रानू मंडल का आप गाना गाती है, बोलो। रानू मंडल का ज़्यादा गाना वायरल हुआ था, याद है? तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी। अब रागिनी जी बताएंगे कितना अच्छा, क्योंकि आप तो भाई सभी जानते हैं, तो से मैच करिए जी। चलिए भूल गए। कोई भी गाना गा दीजिए, लता मंगेशकर का याद है? पकड़ लीजिए इसको। नहीं, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, मैंने अभी एक गजल गाए हैं, अनुराग म्यूजिक पे छुटा हुआ। कौन सा गाना है, थोड़ा सा सुना दीजिए। पंचलंगी नहीं याद है? कैसे जी।
चीज आप बताइए कि गाने भी गा रही है, सब कुछ एल्बम भी आ रहा है धीरे धीरे, अब आपका एक समय है ना कि फिल्म में गाने का मौका मिल रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं रहा कि भैया रागिनी विश्वकर्मा बस इस फिल्म में गाना गवा दे, कभी ऐसा ऑफर आ रहा? नहीं आएगा तो बिल्कुल काम करेंगे। चलिए ये सब चीजें हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे गाने हैं लगातार अनुराग एंटरटेनमेंट पर, इनके गाने आते हैं, रागिनी विश्वकर्मा भी चैनल है ना आपका, रागिनी विश्वकर्मा भी आते हैं, बहुत सारे गाने हैं लगातार, आपको आपकी भी देखते रहिए और साथ ही सत्या एक्सप्रेस को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वो गवाएंगे दोस्तों इस जमाने को, गवा दीजिए सैड सॉन्ग, मजा आ जाएगा दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया।